अगर आपकी भी शादी में कई प्रकार की अड़चन सामने आ रही है, रिश्ता पक्का होने के बाद भी टूट जाता है या बात बनते ही बिगड़ रही है, तो इस सबसे पहले किसी ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से भी शादी विवाह में बाधा आती है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है, साथ ही मनचाहा वर या वधु की प्राप्ति होती है। तो आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से विस्तार से जानते हैं कि वह कौन से उपाय है जिनको करने से मनचाहा वर या वधु की प्राप्ति होगी। विवाह में अड़चन या बाधा, यह आज के समय में एक बड़ा प्रश्न हो गया है। तो जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि अनुकूल नहीं है, उसकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, ऐसी स्थिति में विवाह में अड़चन आती है, देरी से विवाह होता है। सूर्य या गुरु अनुकूल नहीं है, सूर्य या गुरु जो है वह कुंडली में अशुभ फल देने वाले हैं, तब भी विवाह में अड़चन आती है। या सप्तमेश जो है जन्म कुंडली का, वह अशुभ फल को देने वाला है, अशुभ स्थान पर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी विवाह में बाधा आती है, अड़चन आती है। कई बार विवाह तय हो जाता है, तय होकर के विवाह टूट जाता है। या मनचाहा अभीष्ट वर हम प्राप्त करना चाहते हैं या अभीष्ट वधु हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो मनचाहा वर या वधु प्राप्त करने में भी व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय जो उपाय कहे गए हैं, उन उपायों को हम आपको बताते हैं। यदि आप विधि पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही शीघ्र विवाह भी होगा, उत्तम विवाह भी होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। वर या पुरुष के विवाह में यदि कोई अड़चन है तो उसको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, प्रातः काल प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अकाव के वृक्ष का पूजन करके अकाव के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, ऐसा करने से शीघ्र विवाह होता है। यदि कन्या के विवाह में किसी प्रकार के विवाह में अड़चन है तो कन्या को पीले गुरुवार का व्रत रखते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन और केले की वृक्ष की पूजन करना चाहिए, ऐसा करने से कन्या को गुरु बल की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही उसका विवाह संभव हो जाता है। जन्म कुंडली में गुरु के कारण यदि विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत है तो पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के परिक्रमा लगाना चाहिए और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में पितृ दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष इत्यादि के कारण किसी प्रकार की विघ्न बाधा है तो भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। शनि के कारण यदि विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत है तो प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करके पीपल के 21 परिक्रमा लगाने से समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि कन्या को अभीष्ट वर की प्राप्ति करना है, मनचाहा फल प्राप्त करना है, तो जो सारे संसार में जो एक व्रत बड़ा सर्वोत्तम व्रत है वह व्रत है 16 सोमवार का व्रत। कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत रखते हुए 17वें सोमवार को विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ऐसा करने से निश्चित ही मनचाहा फल मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। और यदि एक और उपाय है, वर हो या कन्या दोनों के विवाह में यदि किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो एक पीले वस्त्र में 7 हल्दी की कठान, 7 सुपारी, 7 सिक्के, 7 जनेऊ और 7 मुट्ठी चावल रख करके अपने पूजन के स्थान पर भगवती को वह पीले वस्त्र में बंधा हुआ पूरा सामान कुल देवी और देवता के नाम से समर्पित करना चाहिए। उसके साथ एक सिक्का और सुपारी भी भगवती को समर्पित करना चाहिए। 40 दिन तक अपने पूजन के स्थान पर इस पोटली को रखे रहने दें और वर को जो है 40 दिन तक पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी इस मंत्र का, पूरे मंत्र का जो है 40 दिन तक पूजन के स्थान पर जप करना चाहिए और कन्या को जो है मंगला गौरी का पाठ करना चाहिए। यदि 40 दिन तक वर या कन्या इस प्रकार भगवान का भगवती का पूजन करते हैं, इन मंत्र का जप करते हैं, तो 40 दिन के पश्चात यह पोटली जो आपने भगवती के सामने रखी है कुल देवी देवता के नाम से, इस पोटली को ले जा करके किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी वर हो या कन्या जिसके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, शीघ्रातिशीघ्र और उचित स्थान पर उत्तम विवाह उनका संपन्न होता है।